काल में हमारा राष्ट्रीय किसान आंदोलन अप्रैल में पूरे देश में शुरू होना था, जिसमें कि देश के हर किसान से, वंचित किसान से, सीमित किसान से हम लोग संपर्क करके जो किसानों की 70 सालों से बुरी हालात है उसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। लेकिन कोरोना काल के कारण, सरकार की कुछ महामारी के कारण दिक्कतें हुई, जिसके कारण हमने एक बार उसको लंबित किया। उसके बाद फैसला लिया कि आंदोलन को देर ना करते हुए मध्य प्रदेश, राजस्थान और पूरे देश की जिला स्तरीय मीटिंगें की जाए। उसी के चरण में कल पहली मीटिंग राष्ट्रीय किसान आंदोलन की झुंझुनू जिले में थी, आज दूसरी मीटिंग चूरू जिले में है। इसमें किसान साथियों को राष्ट्रीय किसान आंदोलन के प्रति जागृत किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान आंदोलन की तीन प्रमुख मांगों में है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, नंबर दो है किसानों को सुनिश्चित आय दी जाए, क्योंकि अगर किसानों को भाव भी मिल गए, आज किसानों के पास जमीनें सिकुड़ गई है, यदि जमीन किसान के पास 1.5 एकड़ ही जमीन है तो उसको अगर भाव भी मिल गए तो साल में उसको 30,000 का फायदा होगा। 30,000 में ना तो वो बच्चे पढ़ा सकता, ना उनको स्वास्थ्य सुरक्षा दे सकता। इस प्रकार सरकार के न्यूनतम आय के कानून के तहत किसान को निश्चित आय, मजदूर को निश्चित आय मिले, और तीसरी किसानों के ऊपर फसलों का भाव ना होने के कारण कर्जा हो पाया, तो ये गलती सरकार की है। तो सर, केंद्र सरकार जो है उसने सत्ता में जब आई थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सिफारिश लागू करने के लिए कहा था, क्या 8 साल कांग्रेस ने खुद के समय में, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, स्वामीनाथन आयोग सरकार का था, किसानों का तो था नहीं। उसने अपनी रिपोर्ट 2006 में दे दी, 8 साल कांग्रेस लागू नहीं कर पाई। 2014 के अंदर प्रधानमंत्री की पहली रैली चुनाव प्रचार की रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि फौजियों को वन रैंक वन पेंशन और किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट पे पहली कलम से मैं साइन करूंगा यदि देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। लेकिन आज सत्ता में 5 साल आनंद सुख लेने के बाद जब हम किसान कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये हलफनामा देती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं वो आउटडेटेड हो चुकी है और इसे लागू करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त बजट नहीं है, इसलिए सरकार इसे लागू नहीं कर सकती। स्वामीनाथन रिपोर्ट कर्जा मुक्ति, सुनिश्चित आय, किसानों का हक है। देश के अंदर आज 70% किसान है जिसकी हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आज कोरोना काल में यदि देश का व्यक्ति सुरक्षित है, लूटमार और धक्केशाही नहीं हो रही, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि किसान ने इतना अनाज पैदा कर दिया, इतनी सब्जियां, इतने फल, इतना दूध पैदा कर रखा कि इस देश में कोई भुखमरी से नहीं मर रहा, जिसके कारण लूटमार नहीं हुई। और उसी किसान के साथ, आपका नाम सर? विकल्प आचार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय किसान आंदोलन।